आज मैं आपसे कुछ बातें जयंत चौधरी के बारे में करना चाहता हूं। जयंत चौधरी को हम कितना जानते हैं? एक पूर्व सांसद या एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री का पोता, एक जाट नेता, या फिर महज एक दो बेटियों का बाप, या फिर एक ऐसा आदमी जो किसान का दर्द भी समझता है और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े बड़े समिट में भी शामिल होता है, या फिर एक ऐसा सांसद जो अपना प्रचार भले ही गाड़ी से करता हो लेकिन जब क्षेत्र की सड़कें खराब हो जाती हैं तो सांसद बनने के बाद भी सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्राएं करता है, एक जाट नेता या फिर एक किसान नेता, या फिर गरीब और मजदूर या दबे कुचलों की आवाज उठाने वाला नेता। जयंत चौधरी का जन्म चौधरी चरण सिंह के परिवार में हुआ, मतलब एक जाट परिवार में जन्म हुआ, जिससे जयंत की जाटों के प्रति हमदर्दी है और अपनी जाति के साथ हमदर्दी रखना कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदमी जातिवादी हो गया। जयंत ने खुद बार बार खुले मंचों से जातिवाद का विरोध किया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर अपनी जाति का नाम गुदवा कर रखने वालों को जाति का नाम हटाकर किसान पुत्र लिखने का बार बार आह्वान किया, लेकिन फिर भी उनके विरोधी जयंत को लगातार राजनीतिक रूप से समेटने के लिए उनको और उनकी पार्टी को सिर्फ एक जाति की पार्टी और दो जिलों की पार्टी होने का दावा करते हैं ताकि उनको समेट कर रखा जा सके। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जयंत से कहा था कि भाजपा कहती है कि उसके पास सबसे ज्यादा जाट सांसद है, तो फिर राष्ट्रीय लोकदल किस चीज की राजनीति करती है, किस चीज की राजनीति कर रही है? तो जयंत ने कहा था, अगर भाजपा वाकई ऐसी बात कर रही है तो चुनाव आयोग को तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को जातियों और सांप्रदायिकता में बांटने का काम नहीं करते। हमारे लिए 3600 बिरादरी एक समान है। आज देश में भले ही राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हों, लेकिन देश की आर्मी के साथ जितना लगाव जयंत का है शायद किसी दूसरे नेता का पूरे देश भर में ना हो। जयंत से अपने क्षेत्र के शहीद परिवारों की शायद ही कोई ऐसा परिवार बचाओ जिससे जयंत व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसके घर ना गए हो। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कोई और बटोरता है। अक्सर सवाल उठाया जाता है कि जयंत जब सांसद थे तब कुछ क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूं। जयंत चौधरी शायद इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने खुद बतौर सांसद रहते हुए सड़क बनवाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। जयंत किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, फिर चाहे इसमें जंतर मंतर पर किसान आंदोलन की बात हो, या फिर भूमि अधिग्रहण पर निजी सदस्य विधेयक पेश करने की बात हो, या फिर संसद में उनकी उपस्थिति का प्रश्न हो, जयंत ने संसद में तमाम मुद्दों पर प्रश्न उठाए, अपनी सांसद निधि को भी 100% खर्च किया। आप इसकी तुलना बाकी सांसदों से करिए और तब पता चलेगा कि जयंत ने क्या किया और क्या नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही जयंत चौधरी लगातार सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते रहे, चाहे मेरठ में बुलाने की बात हो या फिर दिल्ली जंतर मंतर पर किसानों की ऋण माफी के लिए चल रहे आंदोलन के मुद्दे की बात हो। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जयंत से उनके इस गठबंधन के प्रयास पर सवाल पूछा। जयंत का जवाब था कि यह तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर मजबूत गठबंधन बनाने की हमारी कोशिश हमारे राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि मुल्क में बढ़ रही सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी तमाम आवाजों को एकजुट करने की मंशा है। जयंत ने हर बार अपने आप को प्रूव किया है, बस अपने काम का प्रचार नहीं किया, सोशल मीडिया पर हा हुल्लड़ नहीं किया, ढोंग ढकोसले नहीं किए, और जिससे आप लोग बिखरते चले गए। नतीजा यह हुआ कि आपके नेता की आवाज घोंट दी गई, उस पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है जब किसान कौम के जुझारू और ईमानदार युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि राजनेताओं के दलाल किसान कौम की आने वाली पीढ़ी को झूठे लालच देकर बर्बाद करने पर उतारू है। किसान कौम के सभी युवाओं से मेरी अपील है, आपसी द्वंद्व को भूलिए और अपने वजूद की लड़ाई को अपने कंधों पर उठाइए। बाबा टिकैत कहा करते थे, जब क्रोध और अहंकार दोनों अलग अलग होते हैं तो जहर होते हैं, लेकिन दोनों साथ में आ जाएं तो स्वाभिमान बन जाते हैं, और किसान स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता है। अब यह आप पर निर्भर है कि लुटेरों की चौखट पर दलाली करने वालों के पीछे अपनी ऊर्जा को जाया कर दें, या फिर किसानियत के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए खुद मोर्चा संभालें। आखिर में मर्जी आपकी चलेगी। जय हिंद, जय भारत।